एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियो फेज के बारे में बैक्टीरियो फेज वायरस के बारे में सो लेट्स गेट स्टार्ट फेज वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन नाइनटीन फिफ्टीन बाई फ्रेडरिक टॉट एंड फेलिक्स डी हेरल इन नाइनटीन सेवनटीन जो फी जो आपका बैक्टीरियो फेज वर्ड था वो इज फर्स्ट प्वाइं बाई द फेलिक्स डी हेरेल Uh, जो इस टर्म को क्वाइंट किया था हेरल ने किया था इन नाइनटीन सेवेंटीन बोथ मेन डिस्कवर फेज वैन द बैक्टीरिया दे देर वर्किंग विद लाइस जब फॉर्मेशन लाइस स्टेज में काम कर रहे थे बैक्टीरियो फेज तब उन्होंने डिस्कवर किया था द बैक्टीरियो फेज इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया जो ये बैक्टीरियो फेज क्या है इज़ अ वायरस क्या है एक वायरस है जो कि uh, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया की बॉडी को इन्फेक्ट करता है इसलिए इसको बैक्टीरियो फेज वायरस कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेज़ भी बोलते हैं इसको बैक्टीरियल वायरस भी वी कैन कॉल इट बैक्टीरियो वायरस ऑल्सो नेक्स्ट आपका दे रिकोगनाइज एंड टारगेट बैक्टीरियल सेल इन ऑर्डर टू रेप्लीकेट ये क्या करते हैं ये बैक्टीरिया bacteria, किस बैक्टीरियल सेल को टारगेट करते हैं और उसको क्या करते हैं इन्फेक्ट करते हैं और अपनी वायरस क्या एक डेड होता है जब आपकी होस्ट बॉडी में जाएगा तब ये क्या होता है लिविंग हो जाते हैं तो ये बेसिकली ये क्या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं इसीलिए इनका नाम पड़ा बैक्टीरियो फेस एंड ये क्या करते हैं एक पर्टिकुलर टारगेट सेल लेते हैं जो बैक्टीरियल सेल होता है उसको टारगेट करते हैं एंड देन विद इन द सेल ये रिप्लीकेट करते हैं दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अगर एबेंडेंटली इन द दायोसफेयर ये पाए जाते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियो फेस तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वाइडली uh, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सो हियर इज़ द सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ बैक्टीरियो तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तो प्रॉपर्टीज़ आर फर्स्ट क्या है प्रो कैरियोट्स है? होते हैं ये एंड इंट्रा सेलर पैरासाइट पैरासाइट्स होते हैं नेक्स्ट आपका फेजेस आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी एंड एसिड के बेस पे इनको क्लासीफाई किया जा सकता है एंड दे आर टिपिकली हाईली स्पेसिफिक होते हैं ये एंड uh, ये आपके इनके प्रॉपर्टीज़ uh, हो गए इंपॉर्टेंट फीचर हो गए नेक्स्ट uh, आपका है कम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियो फेज वायरस का कम्पोजिशन क्या है तो डिपेंडिंग अपॉन द फेज द न्यूक्लिय एसिड कैन बी इधर डी एन ए और आर एन ए बट नॉट बॉथ तो जो इनका न्यूक्लियक एसिड होता है वो आपका आर एन ए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता है तो वायरसेस में या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या तो आरएनए होता है बट दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं द फेज जीनोम कैन बी मेड ऑफ इधर डबल और सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए और आर एन ए हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है डब और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है एंड जीनोम जो है इट कैन बी सर्कुलर और लीनियर ऑल्सो तो कुछ भी हो सकता है सर्कुलर भी हो सकता है अगर मोस्ट ऑफ़ द जो आपके बैक्टीरियो फेज uh, होते हैं उनमें डी एन ए होता है आर एन ए भी हो सकता है और सर्कुलर जीनोम भी हो सकता है या फिर वी कैन से लीनियर भी हो सकता है तो डिपेंड अपॉन द इन्वामेंट जहाँ पे जिस टाइप का है उसके बेसिस पे अलग अलग हो सकता है नेक्स्ट आपका द न्यूक्लिक एसिड ऑफ़ फेजेस कंटेन अनयूजुअल और मॉडिफाइड बेसिस विच विच इज़ आपका न्यूक्लियोटाइड बेसिस विच प्रोटेक्ट फेज न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम न्यूक् न्यूक्लिए दैट ब्रेक डाउन होस्ट न्यूक्लिक एसिड ड्यूरिंग फेज इन्फेक्शन तो बेसिकली क्या है इनमें मॉडिफाई ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है फेस का बैक्टीरियो फेज का जो न्यूक्लिक एसिड होता है जो इनका वो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें मॉडिफाई बेसिस भी होती हैं और ये बेसिस क्या करते हैं विच प्रोटेक्ट फेज न्यूक्लिक एसिड जो कि क्या करते हैं न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लिक एसिड है जो फेस का बैक्टीरियो फेस का न्यूक्लिक एसिड है उसको प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेकडाउन से न्यूक्ज से द ब्रेकडाउन होस्ट न्यूक् और ये क्या करती हैं जब ये आपके जब ये आपके होस्ट बॉडी यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं उस टाइम ये अपने न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लिक एसिड है उसको ब्रेक डाउन करने से बचाते हैं ये जो आपके मॉडिफाइड बेसिस होते हैं मॉडिफाइड न्यूक्टाइड बेसिस होते हैं फॉर मैनी फेजेस टाइप्स ऑफ द कैप्सिड इज अटैच टू अ टेल जो फेज होते हैं बैक्टीरियो फेज उसमें क्या होता है टाइप्स ऑफ कैप्सिड इज अटैच टू अ टेल स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियो फेज टाइप है या बैक्टी जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियो फेज़ हैं उनकी बात की जा रही है तो उनमें क्या होता है कैप्सिड होते हैं जो कि अटैच होता है अटेल अटैच टू अटेल स्ट्रक्चर जो कि आपका जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसमें कैप्सिड होता है एक सराउंडिंग होती है जो क्या करती है आ, जो कि क्या है? Phase, phase करती है सराउंडिंग द फेज या फेज को सराउंडिंग करती है फेज जीनोम को सराउंडिंग करती है जो आपका हेड रीजन में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है इस तरीके से आप देखोगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है तो ये आउटर क्या कैप्सिड की कवरिंग होती है कैप्सिड होता है जो कि क्या करता है फेज के जीनोम को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है ठीक है नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियो फेज तो इसको अगर हम बात करें तो जो इसका ये अपर सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो इसको हेड बोलते हैं हेड जिसमें क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए होता है और आर हो सकता है तो ये आपका बैक्टीरिय फेज में क्या होता है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है और ये इस स्ट्रक्चर को ही बोला गया हेक्सागोनल या बेंजीन रिंग देखा है आपने उस तरीके के सिक्स आम सिक्स साइड्स होती हैं तो ये बेंजीन रिंग तरह या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और इसी में क्या होता है डीएनए भी होता है द हेड टेल कनेक्टेड कंजिस्ट ऑफ अ कॉलर जो आपके हेड uh, को ये ये रीजन आपका क्या है टेल होता है जो हेड और टेल को कनेक्ट कर रहा है उसको हम कॉलर कह रहे हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ये कॉलर है और ये आपका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको भी बोलते हैं ये पूरा आपका कॉलर से लेके आपका टेल रीजन होता है और यहीं पे आपका क्या होता है एक uh, यहाँ पे एक ट्यूब होता है जो ये थिन ट्यूब देख रहे हो इसको बोलते हैं थिन आपको टेल ट्यूब बोलते हैं और ये जो आउटर कवरिंग है इसकी इसको सीथ बोलते हैं तो बेसिकली ये आपके होते हैं और इसमें क्या होता है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको मैंने क्या बताया ये आपका ही यही आपका टेल आपका टेल uh, ट्यूब होता है और इसकी जो बाहर होती है इसको सीथ बोलते हैं सीथ की कवरिंग होती है और ये जो प्लेट आप देख रहे हो ये प्लेट क्या है आपका बेस प्लेट कहते हैं या बेशर प्लेट कहते हैं इसको बेस प्लेट है ये जो कि उससे जुड़े और यहाँ पे बहुत सारे टेल फाइबर्स होते हैं दे आर आर सिक्स टेल फाइबर्स तो यहाँ पे टेल फाइबर्स होते हैं और जो आपका टेल ट्यूब है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इस इसके सीत की कवरिंग है लेकिन ये ट्यूब जो पतली आपको यहाँ से नेक रीजन में दिख रही है ये क्या है नॉन कंट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टाइल होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है लेकिन ये जो सीत है ना ये एक कंट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है जो ये जिनोमिक मटेरियल है जिनोम डीएनए है ये नीचे आता है जब भी वो होस्ट बॉडी पर क्या करता है अटैच होता है ठीक है और किसके थ्रू अटैच होता है ये जो टेल फाइबर है ना अटैचमेंट में काम करते हैं और ये जो बेस प्लेट है ना ये बेस प्लेट क्या है इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इस आ, आपके इस आ, ट्यूब को ठीक है तो ये आपका होता है नेक्स्ट आपका अगर बेस प्लेट की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल प्रोटीन तो ये बेस प्लेट आप जो देख रहे थे ये जो इस तरीके से था ब्रॉड में ये जो बेस प्लेट है ये मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटीन से बना होता है मल्टीपल प्रोटीन से बना होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये क्या करता है इट कंट्रोल सीथ कंट्रैक्शन जो मैंने बताया वो कंट्रकट्राइल रीजन आपका क्या सीथ होता है जिसको क्या कर रहा है कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है और जो आपका ट्यूब था वो तो कंट्रैक्ट नहीं होता है नॉन कंट्रेक्ट्राइल रीजन होता है तो टेल फाइबर यूजली सिक्स इन नंबर एंड यूज फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन के थ्रू जो सेल फाइबर्स थे सिक्स जो आपके दिख देख रहे थे वो क्या करते हैं वो होस्ट बॉडी में अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं एंड टेल फाइबर्स कैन रिकॉगनाइज स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट इन द होस्ट सेल वॉल ये रिसेप्टर को फाइंड आउट करते हैं फिर उससे अटैच होते हैं नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ बैक्टीरियो फेस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियो फेज की बात करें तो पहला जो आपका है उसको हम बोलते हैं लाइटिक और वेरुलेंट फेज़ होता है तो फेज दैट कैन वनली मल्टीप्लाई विद इन बैक्टीरिया एंड किल द सेल बाइलाइसिस उसको बोलते हैं लाइटिक और वेरुलेंट फेज होता है जिस जो आपका टी फोर होता है ना ये इसमें आता है जो कि आपके टी फोर और ये आपके क्या है ये आपके ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले सेवन आपके बैक्टीरियो फेज होते हैं सेवन टाइप्स के तो और सेकेंड आपका है लाइसोजेनिक और टेम्परेट फेज होता है फेज डैट कैन इधर मल्टीप्लाई बाई द लाइटिक साइकिल और एंटर द आपके जो क्वेश्चन स्टेट ऑफ इन द बैक्टीरियल सेल होता है ये आपके लेमडा वाले होते हैं इसको मैं आपको बताऊंगी डिटेल में ये जो फेज होते हैं आपके लाइटिक साइकिल जो आपने पढ़ा होगा लाइसोजेनिक लाइटिक साइकिल बैक्टीरियल फेज का जब आपने ट्रांसडक्शन पढ़ा होगा तब उसमें साइकिल है रेप्लीकेशन की साइकिल होती है जब उसमें बैक्टीरियो फेज रेप्लीकेट होते हैं तो आपके क्या है इसमें जो आपका आता है लेम्डा जो बैक्टीरियो फेज़ है उस टाइप के होते हैं इसमें और ये आपके जो मतलब सेल में एंटर करते हैं जब बैक्टीरिया के फेज में तो क्वाइसेंट स्टेट में होते हैं यानी इनएक्टिव होते हैं या फिर वीक एसेंट डॉर्मेंट होते हैं या ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं लेकिन जब जाते हैं तब एक्टिव होते हैं तो लाइटिक साइकिल में क्या होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट आपका इसमें आपके जो ई e. कोलाई को ई कोलाई बैक्टीरिया को जो अफेक्ट कर रहे हैं सेवन टाइप्स के होते हैं तो इसमें आपके टी फोर टी टू टी सिक्स आते हैं इनको क्या बोलते हैं इन बैक्टीरियो को क्या कहते हैं टी इवेंट फेजेस कहते हैं टी इवेंट फेजेस सेकेंड आपका टी वन टी थ्री टी सेवन जो होते हैं इन बैक्टीरियो को क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरियोलेंट कहते हैं नेक्स्ट आपका जो टी फाइव फेज है इट को ऑटोमजली इट को ऑटोनोमजली ऑटोनोमसली वेरलेंट कहते हैं इसको जो ऑटोनोमसली वेरुलेंट वीरु, होते हैं टेम्परेट सॉरी इसको लाइटिक वाला कहते हैं ठीक है लाइटिक होते हैं ये ऑटोनोमसली वेरुलेंट होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट वेरुलेंट होते हैं ये आपके टी वन टी थ्री टी सेवन एंटी टी इवन होते हैं ये बैक्टीरियो फेज के टाइप्स हैं ऑटोनोमसली वेरुलेंट जो टी फाइफ है और वेरियोलेंट टाइप का भी हमने पढ़ा था कि लाइटिक वाक के टाइप के फिर आपका टैंपरेट था जो कि इन एक्टिव स्टेट में आपके सेल के अंदर इंटर करते हैं तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के आपके बैक्टीरियो फेजस होते हैं जो कि एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं ये ओवरऑल आज का इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू